प्रोग्राम के दूसरे से आपको खुश आमदीद कहेंगे और आपको पता है कि इस सेगमेंट में हम अपना टॉपिक भी अनाउंस करते हैं और अपनी मौजूद मेहमान शख्सियत से आपका तारुफ भी कराते हैं। तो आज का हमारा मौजूद रहेगा जो कल पूरी दुनिया पूरी इंटरनेशनल जो मेन स्ट्रीम मीडिया था उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो दौरा सऊदी अरबिया था उसके ऊपर बातचीत होती रही। वहाँ जो कुछ मनाजिर आपने देखे, तमाम चीज़ें देखी, किस तरह से वो सारा मामला जो है वो चलता रहा, उसका क्या हदफ था, क्या मामला थे, तो उसके बाद बात करेंगे। जो आले सऊद की एक बादशाहत है, क्या वो सुखूत की जानिब गामजन है, आले सऊद क्या आले सुखूत होने वाले हैं, इस बेहतरीन मौजू के ऊपर बात करने के लिए हमने जिस मौजूद मेहमान शख्सियत को आज प्रोग्राम में दावत दी है, आपकी शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं। हुजरत-उल-इस्लाम वल मुस्लिमीन जनाब अब्दुल हुसैन मुसावी साहब हमारे साथ हैं, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करेंगे। कबीला, ये बताइए कल जो पूरी दुनिया ने सब देखा है कि जिस तरह से इस्तकबाल हुआ बैतुल माल से मुसलमानों के पैसे से, और कहा जा रहा है, खबरों में आ रहा है कि 68 मिलियन जो है वो डॉलर लगाए गए सिर्फ उनके शाहाना इस्तकबाल के लिए। फिर बड़ी बड़ी डील्स हुई अरबों में, 110 अरब डॉलर तक का सुना गया, उसके बाद कई करोड़ डॉलर जो है वो ह्यूमन राइट्स के नाम पर, और फिर उसके बाद कुछ जहाज़वाज़ बहरीन को भी भेज दिए, फिर आखिर में ये भी कहकर गए कि जनाब अली के ये आपने लड़ना खुद है। तो आखिर इसका क्या हदफ था, क्या होने जा रहा है, आप क्या देखते हैं? दिलचस्प मौजू है कि आप देखें कि जो अमेरिका आज चेहरे से एक जो पर्दा जिस तरीके से उठाया, तो इससे बहुत सारे पैगाम अब देखना है कि मुसलमान इसको किस हद तक समझने में कामयाब होते हैं। कि मसलन पहली ये कि आखिर इस पहले सदर का पहला बैनुल अक़वामी सफर सऊदी अरब क्यों बना, जबकि हम अगर पिछले चार सुदूर की तरफ मेरी नजर पड़ रही है अमेरिका के, उनका जो पहला सफर था या कनाडा रहा है या मैक्सिक, मगर ट्रंप ने अपना पहला सफर जो रखा वो सऊदी अरब रखा। क्यों? ये वही ट्रंप है जो इलेक्शन में सबसे ज्यादा खोलकर सऊदी अरब के खिलाफ बात कर रहा था, और सऊदी अरब के नस्बत इसका लहजा बदलना और फिर ये भी कहना कि इससे इसके बचाव के लिए, आले सऊद को बचाने के लिए जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उस के मुकाबले में सऊदी अरब हमें इन्हें उसका मुआवजा कम दे रहा है। यहाँ तक इसी ट्रंप का कहना कि अगर अमेरिका सऊदी अरब का साथ ना दे, अमेरिका ये सऊदी अरब की हुकूमत एक दिन भी नहीं टिक सकती। और यही ट्रंप साहब अभी स्टाफ अभी तो सभी लोग कहते हैं 110 अरब नहीं 400 अरब डॉलर डील हो गई, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इमाम खुमैनी रिज़वानल्लाह अलैह ने फरमाया था कि अमरीकी इस्लाम और खालिस इस्लाम, बहुत सारे लोग ऐसे थे कि वो अमरीकी इस्लाम पर उंगली उठा दे, क्या इस्लाम अमरीकी भी हो सकता है, इसमें कोई फर्क नहीं, शिया भी वहां हुए नहीं पर काल कर रहे थे बाजी, और अहले सुन्नत तो अमूमी तौर पर करते हैं ना, इस्लाम कोई नाम देते हैं, आप कहते हैं कि यार ये अमरीकी इस्लाम है, ये खालिस इस्लाम है। तो ट्रंप साहब ने जो मेहरबानी की तो इस इख्तलाफ को आम फहम बनाने के लिए वो मैदान फराहम किया जो हर किसी को समझ में आएगा कि अमरीकी इस्लाम से मुराद क्या है। आप देखें कि यही सऊदी अरब जो मुसलमानों का गला काटते हैं इसलिए कि आप मुशरिक हैं, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न नहीं मना सकते हैं आप, क्योंकि ये शिर्क है। मगर आप देखें कि जो इनका नबी भी है, पता नहीं क्या क्या है, उनका खुदा भी है, उसके इस्तकबाल के लिए उन्होंने
کون سی حد پار نہیں کی، حتیٰ جو اپنے آپ کو خادمین حرمین شریفین کہہ رہا ہے وہ کھلے عام نامحرم کے ساتھ ہاتھ ملا کر مسلمانی کا چہرہ دکھا رہا ہے، اور اس سے بڑھ کر کہ ایک مسلمانوں کی ایک جنگ نظر آئی کہ مثلاً اردن کے بادشاہ نے اپنے آپ کو، کیونکہ میں بنی ہاشم سلسلے سے ہوں، تو اس نے اپنی تقریر شروع کی بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد النبی العربی الہاشم الامین. تو جب ملک سلمان تقریر کرنے اٹھے تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کی تقریر بڑی اچھی رہی مگر آپ نے صلوات صحیح نہیں پڑھی. صلوات اس طرح پڑھی جاتی ہے، اللہم صل علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. یہ وہابی اب اس محمد و آل محمد کی تصویر بھی پیش کر رہے ہیں. یعنی اگر یہ نہ ہم کہیں کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ کی سربراہی میں یہ کانفرنس ہوئی، یہ سارا کھیل کھیلا، مگر اس میں بھی رقابت کس بات کی رہی؟ اسی کی، بھئی ہم اسلام کی صحیح ترجمانی کرتے ہیں. اور یہاں پر وہی امام خمینی کی صحیح بات آئے گی کہ ایک زمانہ تھا کہ اسلام کی تحریر یہ رہی، یا اسلام حسینی ہے یا اسلام یزیدی ہے بس. اور کیونکہ اس سے پہلے ایک تصویر تھی، یا آل محمد کی تصویر ہے یا آل ابو سفیان کی، مگر اس میں کیونکہ بعض مذہبی تعصب کو ڈال نہ کے اصل بات سے ہٹ جاتے تھے. پھر بنی امیہ کی تصویر کو سامنے لا کر یا بنی عباسیوں کو، اس موضوع سے پھر بھی وہ مذہبی منافرت کو بڑھاوا دینے میں اس کا کسی نہ کسی بہانہ سہارا لیا جاتا تھا. مگر جب امام خمینی رضوان اللہ نے امریکی اسلام کی اصطلاح رائج کی تو بہت سارے لوگ یہ سمجھ نہیں پا رہے تھے. مگر آج یہ پتا چلا کہ مسلم دنیا میں وہ کون ہے جن کی رضا صرف اللہ کے دشمنوں کو راضی کرنا ہے، اللہ کے بندے کے لباس میں خادمین حرمین شریفین کے نام پر، اسلامی ملکوں کے سربراہ کے نام پر، یہ کس طرح صرف اللہ کے دشمنوں کے حامی و ناصر ہیں اور انہیں اللہ پر کوئی بھی بھروسہ نہیں ہے. یہ میدانی طور پر، عملی طور پر استعمار اور استکبار کو خدا سمجھتے ہیں اور دوسروں کو شرک کفر کا فتویٰ دیتے ہیں. صحیح. اچھا، اس کے اوپر جو عالمی مبصرین ہیں، جو دانشور ہیں، انہوں نے خصوصیت کے ساتھ، جو امریکی ہیں کچھ، انہوں نے اس کے اوپر شدید کرٹیسائز کیا ہے کہ یہ آپ جا کر، انہوں نے اس کو امریکی قوم کی تذلیل قرار دیا ہے کہ آپ جا کر بیٹھے بھی تو کن گواروں اور بدوؤں کے ساتھ، یہ الفاظ انہوں نے استعمال کیے. میں چاہوں گا کہ ذرا ہمارے ناظرین کے ساتھ ان کو شیئر فرمائیے. جی، یہ دلچسپ بات ہے کہ مگر یہ جس طرح ہم مصلحت کو دیکھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمان اکثر مسلمان جرنلسٹ یہ حقیقت جانتے ہوئے بھی اس پہ خاموشی اختیار کیے ہوئے کہ خادمین حرمین شریفین کہلانے والوں نے کتنا ذلیل کیا مسلمانوں کو اور اسلام کو. مگر امریکہ میں جتنے ضمیر فروش لوگ سبھی نہیں ہے، وہاں کھل کے انٹلیکٹ آئے، جرنلسٹ آئے، انہوں نے اس بات کی تنقید کی کہ یہ تو ہماری سیولائزیشن پہ تھوکنے کے مترادف ہے، یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ ان پڑھ جاہل اور گواروں کے بیچ بیٹھے اور سیولائز قوم میں، جمہوریت کے حامی لوگوں میں آپ نے ان کو الگ تھلگ کرنے کی کوشش کی، بجائے مثلا اشارہ تھا ایران کی طرف. ایران میں علم میں بھی، سائنس میں بھی بہت آگے ہیں، اور جو ڈیموکریسی کا سیٹ اپ بھی انہوں نے سیٹ کیا ہے وہ بھی دنیا کے لیے ماڈل ہوتا ہے. آپ ان کو انسیولائز قرار دیتے ہیں اور جو سیولائز ہے ان کو آپ سیولائز کہتے ہیں. تو اس انہوں نے اس انداز سے کہا. میں دوسرے انداز میں جب آپ کہیں کہ آپ مسلمانوں سے ہاتھ ملانا چاہیے، جو اصلی مسلمان ہے اسے آپ ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہے، مگر جو مسلمانی کا ڈھونگ رچا رہا ہے آپ اس کو رسمی طور پر مسلمان سمجھتے ہیں. یہ خود
अमेरिका और इवन जो ऑफिशियल कांग्रेस में भी कई एमपीज ने कांग्रेसमैन ने इस पे इश्काल किया कि ये आप की सियासत बहुत ही नेता पे इश्काल किया। और कुछ का मैं कल देख रहा था कि कुछ ने ये इंडिया भी दिया मगर ये अभी पुख्ता नहीं हो रहा है कि इस पे अमेरिका में ट्रंप को अजल करने का शायद मुंह भी चल सकता है। तो पता चलता है कि वहां सभी जमीर फरोश नहीं है, वहां पर भी हकायक और हकीकत को परखने वाले लोग भी है मौजूद है। यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो आदिल जबीर की परेशानी उनके चेहरे के ऊपर नुमाया थी और वो ये चाहते थे कि जो है वो ईरान के साथ और तमाम जो है इन मामलात में इराक के साथ ईरान के साथ जो है वो सख्त मौकफ अपनाया जाए और कहा जाए कि ये पाबंदियां तो हैं ही मुज़ाकरात के भी किसी भी तौर पर दरवाजे बंद होंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने इंडिया ये दिया कि बाद में कहा कि आपने अपनी जंग खुद लड़नी होगी, दहशत गर्दों को खुद ही रोकना होगा। ये सब क्या हुआ जिस पे उनका मुंह बिल्कुल लटक गया? जी जाहिर सी बात है, कल एक ईरानी वजारत खारजा के एक जिम्मेदार से टीवी पे इंटरव्यू था ऑनलाइन डिबेट में, तो एंकर ने उनसे सवाल किया कि क्या आले सऊद यानी सऊदी अरेबिया ईरान का दुश्मन है। उन्होंने बहुत ही खूबसूरत जुमला कहा कि ये ईरान के लिए तौहीन होगी कि वो सऊदी अरब उसका दुश्मन ठहराया जाए। ये सऊदी अरब में वो कैपेसिटी नहीं है, वो वैल्यू नहीं है उसमें कि वो ईरान का दुश्मन करार पाए। आप देखें कि जो दूसरों पे एहसार करके कि हर वक्त वो किराए के टुट्टू लेकर अपने आप को बचा रहा है, तो इससे जो उनकी उम्मीद थी कि अमेरिका की हिमायत से हम सबको रोन डालेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जिस जो लोग भी बुलाए गए इस कॉन्फ्रेंस में जिसे इस्लामी और अरब कॉन्फ्रेंस कहा गया, आपने देखा कि कोई भी वो शख्स वो नहीं है, वो सही जैसा भी ऑटोक्रेट है। किसी अगर जो बजायर डेमोक्रेसी वाले भी है वो अवामी नुमाइंदगी करने वाला कोई नहीं है, अवामी महबूब कायद कोई नहीं था जिसमें एक ने तो खुलकर अपनी जमीर की आवाज बताई। सूडान के सदर ने कहा कि नहीं मैं इस महफिल में नहीं बैठूंगा। तो या अल्हम्दुलिल्लाह जो अभी मर्द मैदान है मुसलमानों में वो फिलिस्तीनी मुजाहिद है, हमास है, उन्होंने तो खुल के कहा कि इसकी बकवास से और इसकी चाप के पीठ थपथपाने से और सऊदी अरब की इस चापलू से इसे पीठ जो उनकी थपथपाई है तो उन्हीं को डस लिया उसने। वहां $4 अरब की आप कह रहे हैं डील करके चले गए, उनकी जौजा ने जो है वो कई करोड़ डॉलर विमेन राइट्स के ऊपर हथियार लिए, इसके अलावा बहरीन को जहाज बेच दिए, वो तो अपना जो है वो अपनी कंपनियों को दिवालिया होने से बचा के चले गए। देखिए वो तो उनका मिशन नहीं है, ट्रंप का तो यही था, वो एक बिजनेसमैन है, वो बिजनेस करने आया। उसकी जो जो दिवालियापन पे है अमेरिका, आपको अमेरिकन इकोनॉमी पे नजर होगी कि कितना कर्जा है उसको, और ट्रंप ने यही वादा किया था। और ये जो सारा कूड़ा करकट अमेरिका में है वो अपने कूड़े करके करकट को बेच रहा है, खाई कर रहा है, ताकि वो मुसलमानों के पैसों से नए एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ नए वेपन्स तैयार कर रहे हैं। और इसीलिए इसने पहले सऊदी अरब रखा था कि सऊदी अरब में मुसलमानों को बेवकूफ बनाए, इससे इसराइल डर जाएगा। इसके बाद इसराइल, अभी वो इसराइल पहुंचा है और इसराइल को समझाएगा कि मैंने किस तरह इनको बेवकूफ बनाया, मुझे पैसों की जरूरत थी, मुसलमानों के मैंने खजाने लूट लिए और मैं तुम्हारे बचाव के लिए और अमेरिका के बचाव के लिए सब कर रहा हूँ। और आप देखेंगे जो कल इसराइल के एक वजीर ने परेशानी का इजहार किया था कि भाई $400 अरब का जो सौदा हो रहा है तो हमारा क्या होगा, तो अब उसको बताया जाएगा कि नहीं यार तुम डरो नहीं, इनको जो हम अब बेवकूफ बनाते आए हैं आज भी उनको बेवकूफ बनाया, मुझे इकोनॉमी मेरी कमजोर थी उसको संभालने के लिए मुझे मुसलमानों इसको एक और जहद के साथ कबला देख लेते हैं, इसको एक और जहद के साथ देख लेते हैं। बिल्कुल, ये तो वो मंजरनामा था जो कि मीडिया के ऊपर खबरों में आया ना कि हम इसको उस आई से देख रहे हैं, कैमरे की आंख से देख रहे हैं। अब इसको हम एक मुख्तलिफ जहद के साथ इसके ऊपर थोड़ा सा इसका तजिया आपसे चाहते हैं
कि जो वहां पर इतने बड़े बड़े मुफ्तियान बैठे हुए हैं उनको नजर नहीं आया कि एक बेहिजाब औरत से उनके बादशाह सलामत हाथ मिला रहे हैं, गैर शरई हरकतें हो रही हैं, नाच हो रहा है उसमें जो है वो ये सब कुछ सारा मामला, फिर इसके अलावा उनको ये नजर नहीं आया कि कुरान की आयत साफ साफ कह रही है ये आपस में दोस्त हैं तुम्हारे दोस्त नहीं है, इस तरह की? और फिर पूरी उम्मत मुस्लिमा में खामोशी क्यों है, बोलता कोई क्यों नहीं? इसकी तरफ तो पहले ही मैं इशारा कर चुका हूँ कि उनका इस्लाम यही है कि वो अमरीकी सदर के लिए अरबों डॉलर खर्च कर सकते हैं। वो तो करेंगे। मैं मुफ्ती की बात कर रहा हूँ। साहब का विलादत का जश्न अतन वो बिदत बिदत है, तो इसी तरह इनको अपने मन की बात जब जहाँ पर इनकी कुर्सी या उनके उलमा हो या हाकिम है उनके पास एक ही उसूल है, सिर्फ अपनी कुर्सी न कि दीन व आखरत। ये उन्होंने उसी का मुजाहरा किया कि अगर वो दीनदार होते तो कहीं ना कहीं किसी आलिम की जबान से भी बात निकलती कि कम से कम मुसलमानों और इस्लामी तालीमात का इस तरह मजाक नहीं उड़ाते, मगर किसी ने कुछ नहीं कहा। ये इसी से पता चलता है कि ये अमेरिकन इस्लाम जी यही है कि हमने देखा कि वहां सलवात पढ़ने पर भी बहस हुई कि भाई एक बादशाह को कहा गया कि नहीं आपने मोहम्मद आल मोहम्मद पे दुरूद नहीं भेजा इसलिए वो दुरूद मुकम्मल नहीं है, और किसी ने दूसरे ने कहा जो आल मोहम्मद का सबसे बड़ा दुश्मन है कि नहीं आल मोहम्मद के बगैर ही दुरूद मुकम्मल भी नहीं। ये इस तरीके से इस्लामी बातें भी चली, मगर जहां पर जिन तालीमात से इंसान का दुनिया और आखिरत मुमताज बनता है उन तमाम तालीमात को रोक लिया गया और किसी वहां भी आलिम ने उफ तक नहीं की। और जो यही तकफीरी लोग आए दिन शियों का गला काटते हैं किसी एक बात को कहा कि नहीं शिर्क से भरे पड़े पूरा ये सफर था किसी के जरिए आप नहीं सुन रहे कि एक भी बयान नहीं आ रहा है, तो ये वही अमेरिकन इस्लाम इसी को कहा जाता है कि जिसमें इस्लाम की रूह ना हो, उसका मेकअप बिल्कुल इस्लामी हो मगर उसमें रूह ना हो। अच्छा अगर आपका दीन ना हो, आपका ताल्लुक खुद खबरों से है, आप खुद जर्नलिस्ट हैं, आप खुद एक न्यूज एजेंसी को हेड करते हैं न्यूज नूर को, आपको अच्छी तरह से याद होगा कि तालिबान जब अफगानिस्तान में जोर पकड़ रहे थे तो उन्होंने उन लोगों को भी मार के शहीद कर दिया जिनकी दाढ़ियां छोटी थी। ये कहा कि तुमने खौफ में अभी रखी हैं, अगर पहले से रखते तो ये कम से कम सीने सीने तक आई भी होती। तो यहां पर जब आम मुसलमान की तो दाढ़ी ये फीते से नापते हैं मगर आले सऊद के चेहरे पर इनको दाढ़ी नजर नहीं आती, उस वक्त इनको कोई तकलीफ नहीं होती? जब तक तो जब ये महरम और नामहरम में इम्तियाज के कायल नहीं है तो दाढ़ी की तो बात ही नहीं। ये सिर्फ ये है कि वो मुसलमान जो उनकी इख्तदार के लिए मुजाहमत ईजाद करें वो उस दिन से खारिज है, ठीक उसी तरीके से जो यजीद का मौकफ था कि अगर मैं कुर्सी पर बैठा हूं अगर मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसी इमाम हुसैन जैसा शख्स भी मुझे इस पे टोके उसको नहीं सुनाबूद करे। ये इनका दीन तो यही है, अमेरिकन इस्लाम तो यही है कि आप जालिम को जालिम ना कहें, आप गलत को आप सिर्फ जाहिर मतलब मस्जिद में जाए नमाज पढ़े रोजा रखें, मगर जो दीन की रूह है जिससे मसलन हजरत अली अलैहि सलाम को शहीद किया गया और उन्होंने पढ़ा बिस्मिल्लाह व बिलाला मिल्लत रसूलुल्लाह, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर कायम हूं, इमाम हसन मुश्तबा को शहीद किया गया फरमाया बिस्मिल्लाह व बिलाला मिल्लत रसूलुल्लाह, इमाम हुसैन को शहीद किया उन्होंने फरमाया बिस्मिल्लाह व बिलाला मिल्लत रसूलुल्लाह, और मिल्लत रसूलुल्लाह की हिफाजत के लिए अहले बैत का जो खून बहा है ये उसी खून के साथ उसी दीन के साथ सौदा करने वाले लोग हैं। तो इसलिए ये सिर्फ उस वक्त इस्लाम की बात करेंगे जब अहले बैत की वो आवाज आवाम के जरिए से ना सुनी जाए, जिस जबानी वो सुनेंगे उसको जबान को वो नीस्तनाबूद कर। ठीक है, आखिरी सवाल पर आवाम के लिए ये सवाल है कि वो इस पर खामोश क्यों है, अगर वो इस्लाम और मुसलमानी का कम बढ़ते हैं उन्होंने क्यों खामोश इख्तियार की है इस तमाम ड्रामे के तनाजुर में? ठीक है, एक आखिरी सवाल कि ये जो डील करके चले गए ये तमाम चीजें हो गई, क्या अब आप देखते हैं कि आले सऊद का क्या फ्यूचर देखते हैं? ये इन्होंने तो इनको दूध देने वाली भैंस समझ लिया और अभी इनके ऊपर वार करते रहेंगे, तो आप क्या देखते हैं कि क्या मामला होने क्या जा रहा है? इसमें कोई शक नहीं है कि जो कुछ एमिनेशन अमेरिका ने सऊदी अरब को दिया
वो कूड़ा करकट है, क्योंकि उसको पता है एक ये इसी ईरान में जो अभी इस्लामी मुल्क बन गया है, इस्लामी जमहूरिया जहां पर हाकिम है, यहां का जो बादशाह था वो ठीक इसी तरह साझेदार था जिस तरह अभी सऊदी अरब साझेदार है अमेरिका का, इसी तरह ईरान का शाह था, सबसे चाहिए था। और अमेरिका ने ये भी देखा कि जो मैंने उसको वेपन दिए वो सभी फिर मेरे खिलाफ इस्तेमाल आए, तो कच्चे तौर पर ये ऐसा नहीं करेगा कि कहीं अगर सऊदी अरब में इस्लामी रुझान बढ़ा, इन्होंने रुख इसराइल की तरफ किया तो मेरी तो बैंड बज जाएगी, इसराइल खत्ते से नाबूद हुआ तो अमेरिका की सारी हेजमोनी खत्म हो जाएगी। तो कच्ची तौर पर अमेरिका को इस बात का यकीन है कि ये जवाल पजीर है। और जो खुद ट्रंप का कहना कि अगर अमेरिका की हिमायत ना हो सऊदी अरब एक दिन नहीं दिख सकता, और बहरेन को हम इन्हें कुवैत को इन्हें यमन को हम देख रहे हैं कि अमेरिका ने ये भी देखा कि सऊदी अरब की मिलिट्री माइट कितनी है, पूरी दुनिया की फौज इसने जमा की और अरब मुल्कों में सबसे गरीब तरीन मुल्क यमन पे दो सालों से कत्लाम करते आए हैं और उनको कोई कामयाबी हासिल नहीं हो रही है। तो इसलिए ये कतई तौर पर है कि ये अमेरिका बेवकूफ बना के गया है, इसे पैसों की जरूरत थी वो लूट के गया, और जब वो आएगा कुछ भी हो वो उसके फिराक में रहेगा कि किस तरीके से मजीद उनको बेवकूफ बनाया जाएगा। सही, बहुत शुक्रगुजार है, बहुत मशहूर है, बहुत ममनून है कि क़िबला आपने अपना कीमती वक्त हिदायत टीवी को दिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी नाज़रीन, आप सुन रहे थे एडिटर इन चीफ न्यूज़ नूर हुजरत इस्लाम अल मुस्लिमीन सैयद अब्दुल हुसैन मुसवी साहब को मुक़द्दस अल क़ौम से। आपने बहुत अच्छा इसके ऊपर तजिया पेश किया, गो के हमारे पास वक्त बहुत ही मुख्तसर हुआ करता है और हम चाहते हैं कि अपने नौजवानों के लिए, अपने नाजरीन के लिए कुछ ख़ास पॉइंट्स लेकर उनकी खिदमत पेश करें ताकि एक जस्तुजु में इजाफा हो, उसके ऊपर देखा जाए, एक फिक्री तौर पर जो है वो मामलात को आगे बढ़ाया जाए कि इस क्यों ये दौरा हुआ, इसके दौरे के तनाजुर में क्या चीज़ें मामलात थी, किस तरह से जो अमरीकी कंपनियाँ दिवालेपन का शिकार थी उनको किस तरह से उनके अंदर एक नई रूह फूकने के लिए एक बेहतरीन बिजनेस मैन ने दौरा किया और जाके अरब के बद्दुओं को लूट लिया, और सामने से जो दिखाया गया कि जी ये हो रहा है और दहशतगर्दी के खिलाफ है, दुनिया जानती है कि दहशतगर्दों को बनाने वाले कौन हैं, पूरी दुनिया में तकफीरी मदरसों को फंड बांटने वाले कौन हैं, पूरी दुनिया में तकफीर का नारा बुलंद करने वाले कौन हैं, पूरी दुनिया में मजलूम लोगों को के सर तनों से जुदा करने वाले, उनको ज़िबह कराने वाले कौन हैं, तालिबान बनाने वाले कौन थे, अलकायदा वाले कौन थे, दाइश वाले कौन हैं, जबत नुसरा वाले कौन हैं, ये तमाम लोग कौन है दुनिया जानती है, और वही जो है वो सबके सामने मुसलमानों को धोखा देने की मजमूम कोशिश कर रहे हैं कि वो दहशतगर्दी से लड़ेंगे, हालांकि वो खुद दहशतगर्दों के बाप हैं, खुद ही उनके सरपरस्त हैं। तो ये सारा मामला क्या था, इसके तनाजुर में जो गुफ्तगु हुई, यानी कि ये एक बिजनेस डील थी जो कि वो आए और इनको अपने गुलामों को एक मरतबा फिर बेवकूफ़ बना के और मुसलमानों के बैतुल माल को खाली करके चले गए। अब देखना ये है कि ये इस तरह से इस पोजीशन पे कितना सस्टेन कर पाएंगे, या इनका सुकूत जल्दी होगा, या अभी मजीद जो है वो ये सारे मामला चलते रहेंगे, ये वक्त और हालात जो है वो हमको बेहतरीन आगाही देते रहेंगे। इंशाल्लाह हम भी इसके ऊपर गुफ्तगू करते रहेंगे और जो भी फर्दर डेवलपमेंट होंगी अपने नाज़रीन की खिदमत में लाने की कोशिश करते रहेंगे इंशाल्लाह। अभी हमारे पास हुआ है एक मुख्तसर सी ब्रेक का वक्त हुआ है, हम एक ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, आपको भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे, आपकी भी कीमती आरा को अपने प्रोग्राम की जीनत बनाएंगे इंशाल्लाह। लेते हैं एक मुख्तसर सी ब्रेक का।